हेलो नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग ना इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज होती है उनको म्यूजिक के साथ गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं। ओह माय गॉड, वाओ। अब देखो यार, ये वीडियो है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि इससे पहले मैंने कई वीडियोस बनाई हैं इस टॉपिक पे, जिसमें मैंने आपको किसी ऐप्स के बारे में बताया, किसी वेबसाइट के बारे में बताया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ना किसी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, ना ही किसी वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे आप लोग इंस्टाग्राम में ही इंस्टाग्राम स्टोरीज को कैसे म्यूजिक के साथ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गैलरी में कैसे सेव कर सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त ट्रिक होने वाली है। तो अगर आप लोग ये ट्रिक को जानना चाहते हो तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ऑल्सो वीडियो को लाइक जरूर करना, लाइक करने से नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और एक कमेंट जरूर करना, कुछ भी कमेंट अच्छा सा कर सकते हो आप लोग की, आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, कुछ भी आप कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो मेरा नाम है मनीष और आप लोग देख रहे हैं मनीषवर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, सो मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में आ गया हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो यार क्या कर रहे हो यार, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, बढ़िया बढ़िया रील्स डालता हूँ। तो पहले वीडियो देखना, फिर अगर इच्छा हो इस वीडियो के बाद चले आना, फॉलो कर लेना, मनीष वर्यू सर्च करना, मिल जाऊंगा, फॉलो कर लेना। और अच्छी खासी यूजफुल रील्स डालता हूँ, वो भी देख लेना। अब देखो, इसके लिए ना, इस ट्रिक के लिए हम लोगों को एक फेक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। वो किस लिए पड़ेगी मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फेक अकाउंट बना के रखा है। देखो, जरूरी नहीं कि आपको फेक अकाउंट बनाना है, हो सकता है आपके पास एक्स्ट्रा अकाउंट कोई सा पड़ा हो, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। अब सिंपली मैं क्या करता हूँ, उस अकाउंट में आ जाता हूँ। अब यहाँ से आने के बाद इस अकाउंट में हम लोग स्विच करेंगे, मैसेज वाले सेक्शन में जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना, सारी चीजें पहले समझाता हूँ। एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कैमरा का आइकन दिख रहा है। अब हम लोग को जिस भी फोटो पे म्यूजिक लगाना है उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो यहाँ गैलरी में से ले सकते हैं। तो मैं गैलरी में से कोई फोटो एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मान लो ये फोटो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसको एडजस्ट कर लेता हूँ उस तरीके से। आप लोग कोई भी फोटो जिसमें आपको म्यूजिक लगाना हो, उसको डाउनलोड करना हो या सेव करना हो, तो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम लोगों को करना है यहाँ पे स्टिकर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, म्यूजिक के स्टिकर पे क्लिक करना है। अब जो भी म्यूजिक लगाना है हम लोगों को उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं ये वाला म्यूजिक लगा लेता हूँ, यहाँ पे डन पे क्लिक करता हूँ, उसको एडजस्ट कर लेते हैं। चाहे तो म्यूजिक वाले सेक्शन में यहाँ पे करके स्टिकर में जाके इसको एडजस्ट करते हैं म्यूजिक को। चाहे तो यहाँ पे से लास्ट में भी छुपा सकते हैं म्यूजिक को, छुपा दिया, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे आपको ऐसा व्यू वंस का ऑप्शन दिखाई देगा मोस्टली लोगों को, फिर अलाउ रिप्लाई, ये तीन चार ऑप्शन देंगे। तो हम लोगों को कीप इन चैट के ऑप्शन पे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कीप इन चैट का ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करना है, तभी ये ट्रिक वर्क करेगी। नहीं तो अगर आप लोग व्यू वंस पे अगर भेजेंगे तो कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को अलाउ रिप्लाई पे भी नहीं भेजना, आप लोगों को कीप इन चैट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक काम करता हूँ, मैं दूसरा फोटो सिलेक्ट करता हूँ जो डार्क फोटो होगा, वरना आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कीप इन चैट का ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए कीप इन चैट यहाँ पे दिख रहा है। इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, मतलब म्यूजिक फिर से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूजिक को अपन ऐसे एडजस्ट कर देते हैं, बट आपको एक चीज ध्यान में रखना है, कीप इन चैट में ही सेंड करना है। अब मैं यहाँ से मेरी मेन आईडी पे ये म्यूजिक के साथ स्टोरी को सेव कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे आप सोच रहे होंगे, पहले तो हम लोगों को पूरा सेंड हो जाने देना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फेक अकाउंट की क्यों जरूरत पड़ी, हम खुद ही सेंड करके खुद ही सेव क्यों नहीं कर लेते, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या होता है, मोस्टली टाइम क्या होता है कि एरर आता है, कभी कभी सेव हो जाता है खुद सेंड करके। अगर आप सेव करेंगे, आप सोच रहे होंगे फ्रेंड को सेंड करके मैं सेव कर लूंगा, तो देखो बहुत बार क्या होता है ना कि कई बार ना सेव हो जाती है गैलरी में और कई बार एरर्स आते हैं। लेकिन अगर आप लोग किसी पर्सन को सेंड करते हैं वो सेव करता है ना, तो एरर नहीं आता। मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। अब यहाँ पे मैं सेव मोर पे क्लिक करूंगा और सेव पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है। जबकि अगर मैंने मेरे मेन आईडी पे ये भेजा है, मतलब जिस भी पर्सन को आप भेजेंगे तो उसको क्या होगा, वो फट से एक बार में यहाँ पे सेव हो जाएगा। देखिए अभी मैं जनरल वाले ऑप्शन में चलता हूँ, यहाँ पे मेरे को मतलब जो डेमो अकाउंट से मेरे को यहाँ पे मैसेज आ गया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, अब देखिए यहाँ पे मैं इस पे डायरेक्टली क्या करूंगा, जो मेरे को सेंड करा सामने वाले पर्सन ने, सेव पे क्लिक करूंगा। अब ये देखिए यहाँ पे वीडियो सेव हो गई है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर में ले चलता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि म्यूजिक के साथ बगैर किसी ऐप के और बगैर किसी वेबसाइट के हम लोगों ने स्टोरी को गैलरी में सेव कर लिया है। ओके गाइस, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग किस तरीके से इंस्टाग्राम स्टोरीज को म्यूजिक के साथ गैलरी में सेव कर सकते हैं बगैर किसी ऐप के, बगैर किसी वेबसाइट के। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में मैं ऐसी और वीडियोज डालूं तो आप लोग मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए Stay tuned with Manish for you.